मत सोच कि तेरा सपना पूरा क्यों नहीं होता, हिम्मत वालों के इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत प्रसाद आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रंजीत प्रसाद CNC बेसिक पर। दोस्तों आज का वीडियो का टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ आर्क लेंथ, यानी कि यदि आर्क दिया हो उसका लेंथ हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, उसी के बारे में आज हम लोग फुल डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ज़्यादा वक्त जाया ना करते हो, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये ड्राइंग आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक इसका डाया 54.35 दिया हुआ और यहाँ से यहाँ तक इसका डाया 24.32 दिया हुआ और इसका रेडियस जो है 53.63 दिया हुआ। ठीक है दोस्तों, अब मान लीजिए यहाँ पे अपना एक सेंटर लाइन है, इस तरह से सेंटर लाइन है, तो सेंटर लाइन यानी अपना हाफ ड्रॉइंग हो गया। इसी हाफ ड्रॉइंग को यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है। जब ये ड्रॉइंग अपना हाफ हो गया इसका मतलब ये है कि जो अपना डायमीटर भी हाफ हो जाएगा, यानी कि 54.35 का हाफ हो जाएगा 27.175। ठीक है दोस्तों, ठीक वैसे ही यहाँ पे इसका डाया दिया हुआ 24.32, यानी कि इसका हाफ हो जाएगा 12.16। ठीक है, और इसका रेडियस है 53.63, यानी कि रेडियस रहेगा 53.63। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये यहाँ से यहाँ तक ये आर्क, यानी कि ये रेडियस दिया हुआ, ये आर्क को यदि मैं सर्कल ड्रॉ करूँ, इस तरह से गोल सर्कल ड्रॉ करूँ, तो ये देखने में कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये जो सर्कल है इसी सर्कल को बड़ा करके यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये अपना सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है, ये अपना सेंटर पॉइंट। अब देखिए रेडियस, यहाँ से रेडियस स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे जाके एंड हो रहा है, यानी कि रेडियस यहाँ पे जाकर के एंड हो रहा है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से रेडियस एंड हुआ और यहाँ से ये लाइन किस तरह से मैच करती है। ठीक है, आप लोगों को पता है कि सेंटर पॉइंट से लेकर के यहाँ तक कोई भी लाइन टच करे वो रेडियस के बराबर होता है। इसका रेडियस दिया हुआ 53.63, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस कितना हो जाएगा 53.63, क्योंकि ये रेडियस के बराबर होता है और रेडियस दिया हुआ 53.63। ठीक है, अब देखिए ये लाइन को यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे सीधा यहाँ पे मैच कर, तब देखिए ये एक ट्रेंगल बन गया। ठीक है, अब ये ट्रेंगल बन गया और देखिए यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ कितना दिया हुआ, इसका लेंथ दिया हुआ 27.175। ठीक है दोस्तों, और ये 27.175 किस तरह से है अभी मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ, क्योंकि ये 54.35 है, इसका हाफ हो जाएगा 27.15। ठीक है, यानी कि इसका लेंथ हमें पता चल गया, ये हो गया 27.175। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से यहाँ तक का हमें डिस्टेंस निकालना और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को पता है कि सेंटर पॉइंट से लेकर के यहाँ तक कोई भी लाइन टच करता है वो रेडियस के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक अपना लेंथ डिस्टेंस कितना हो जाएगा 53.63 हो जाएगा, लेकिन हमें चाहिए यहाँ से यहाँ तक का लेंथ निकालना। ठीक है, आगे यहाँ से यहाँ तक का लेंथ निकालेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक का लेंथ निकालेंगे। तो उसको निकालने के लिए ये देखिए ये यहाँ पे एक ट्रेंगल बन गया, इसी ट्रेंगल को यहाँ पे बड़ा करके ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए इसका 53.63, क्योंकि ये रेडियस अपना है 53.63, और यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ दिया हुआ 27.175। ठीक है दोस्तों, अब इस पॉइंट तक का लेंथ निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम मैं इस तरह का बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ और प्रत्येक वीडियो में पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला आप लोगों को बताता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता कि लंबी भुजा, देखिए इसमें लंबी भुजा ये है, ठीक है, तो पाइथागोरस में लंबी भुजाओं का स्क्वायर इक्वल टू दोनों भुजाओं का स्क्वायर का योग। ठीक है, तो इसमें लंबी भुजा AB है, AB का स्क्वायर, यानी कि देखिए लंबी भुजा क्या है, यहाँ पे देखिए लंबी भुजा AB है, ठीक है, यानी कि AB का स्क्वायर करती है इक्वल टू दोनों भुजाओं का स्क्वायर का योग, यानी दोनों भुजा पहला है BC, यानी ये तो BC का स्क्वायर किए प्लस दूसरा भुजा क्या है AC है, AC का स्क्वायर किए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए AB का जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर देंगे, AB का वैल्यू कितना दिया हुआ 53.63, यानी कि 53.63 यहाँ पे पुट कर दिए। ठीक है, फिर इक्वल टू जैसे इक्वल टू लिख दिए, अब BC, BC का वैल्यू क्या दिया हुआ यहाँ पे देखिए BC, BC का वैल्यू दिया है 27.175। ठीक है, यानी कि BC का जो वैल्यू है 27.175 का स्क्वायर कर दिए। ठीक है, प्लस का साइन है प्लस दे दिए, उसको AC स्क्वायर, AC का वैल्यू नहीं पता जैसे है वैसे लिख दिया।
ठीक है दोस्तों, ये आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। अब इसका स्क्वायर निकालेंगे 2876.177। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्वायर आप लोग निकाल के देख लीजिएगा, आएगा 2876.177। ठीक है, फिर इक्वल टू लीजिए, फिर इसका स्क्वायर निकाले, इसका स्क्वायर निकालने में कितना है 738.48, यानी कि 738.48 और प्लस है, प्लस जैसे लिख दिए उसको एसी स्क्वायर, यानी एसी जैसे एसी का स्क्वायर करती है। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पे इक्वल टू दिया हुआ, ये इक्वल टू का उस साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2876.177, यानी कि 2876.177 माइनस 738.48 इक्वल टू ए सी स्क्वायर। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2137.697 इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ए सी स्क्वायर दिया हुआ, ठीक है, ये स्क्वायर को हटाने के लिए यहाँ पे अंडर रूट देते हैं, यहाँ पे स्क्वायर था, ये स्क्वायर को हटाने के लिए यहाँ पे क्या किया, अंडर रूट दे दिए। जब यहाँ पे अंडर रूट दे दिए तब इसका अंडर रूट हम क्या साइंटिफिक कैलकुलेशन जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसका अंडर रूट कितना हो जाएगा 46.24। ठीक है, आप लोग इसे कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, एसी का वैल्यू है 46.24। यानी कि अब हमें ये समझ में आ गया कि एसी का वैल्यू यानी कि इसका जो वैल्यू है ये होगा 46.24। ठीक है, यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गया। अब देखिए यानी कि यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू हमें पता चल गया कितना 46.24। ठीक है, ये वैल्यू, और यहाँ से यहाँ तक हमें वैल्यू पता करना है। आप लोगों को पता है कि सेंटर पॉइंट से यहाँ तक कोई भी लाइन टच करे वो रेडियस के बराबर होता है। रेडियस कितना है, यानी कि रेडियस यहाँ पे देखिए 53, यहाँ पे देखिए रेडियस कितना 53.63, यहाँ पे लिख दिया 53.63 माइनस 46.24। देखिए 46.24 जब इसको माइनस किए तो कितना आया 7.39। ठीक है, यानी कि यहाँ का वैल्यू हो जाएगा 7.39। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस हो गया 46.24 और यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस हो गया 7.39। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब ये हुआ, ये जो ड्रॉइंग दिखाई दे रहा है यहाँ पे देखिए इस तरह से एक लाइन ड्रा कर दूं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक अपना डिस्टेंस कितना हुआ 7.39, यानी कि 7.39 यहाँ से यहाँ तक अपना डिस्टेंस हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए चूंकि ये कैलकुलेशन हम लोग हाफ डायल पर किया था, यानी कि जब इसको डायरेक्टली हम लोग बनाएंगे तो इसको 7.39 × 2 यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 14.78। ठीक है दोस्तों मैं यहाँ पे आप लोग एक बात समझा दूँ, यहाँ पे बड़े बड़े डिजिट दिए हुए, हो सकता है जोड़ घटाओ गुणा भाग में कुछ मिस्टेक हो, ऐसे में कोशिश किया हूँ कि कुछ मिस्टेक ना हो, फिर भी यदि कोई मिस्टेक हो आप लोग इसे देख लीजिएगा, छोटी छोटी बातों को कोई इशू ना बनाए। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि आप मेरे नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।